कल होगा, ऐसे 65 साल निकल गए। अब हमें किसी को टाइम नहीं है, हम कह रहे हैं कि जो कल होगा वो आज करो, और जो आज होगा वो आज अभी तुरंत करो। हमारे जवानों को कोई समय नहीं बचा है, सब लोग कह रहे हैं हमारी नौकरी का इंतजाम करो, हमारी बिजली का इंतजाम करो, हमारे पानी का इंतजाम करो, हमको हमारी मूलभूत सुविधाएं दो, हमको इस तरीके से 65 साल अंधकार में नहीं रहना है। क्या ये सही है? ये सही है क्या? सब लोगों ने तय किया। मैं आज सब लोगों को कहना चाहती हूँ कि अगर 5 साल के अंदर हम लोग काम कर सकते थे, मैंने गिना तो पिड़ावा नगर के अंदर ग्रामीणों की जो आपके पेयजल समस्या का निराकरण किया गया, चावली बांध को पूरा करके पानी पिलाने का इंतजाम किया, वो आप लोग सबने देखा, 5 साल में हुए ना। एक तो वो, और दूसरा आपका छापी बांध जिसको 36 साल लग गए बनते बनते, क्या कर रहे थे ये 36 साल के? नहीं, छापी बांध प्लीज, छापी बांध को 36 साल लग गए, और अगर हमारी सरकार नहीं आती तो 5 साल और लग जाते तो 41 साल आपके छापी बांध का बन जाता, लगा हुआ क्षेत्र आपको मालूम है। मैं ये कह रही हूँ कि तो जनता का पैसा है, ये तो मायर हो गए हैं कि जनता का पैसा किस तरीके से अपने जेब में डालें। अपनी बेटी का फ्लैट बॉम्बे में, अपने बेटे का होटल, अपने पैसा इकट्ठा करके सेठों के यहाँ उन्हें जमा कर दिया मुंबई में, इस तरीके से पैसों का तो बेशुमार धंधा हो रहा है। और मैं ये कह रही हूँ कि जनता गरीब होती जा रही है। ये कहता है कि आने वाले समय के अंदर हम लोगों को गरीब रहना रखना चाहते हैं, हम लोगों ने गरीब लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने की कोशिश की है, और भारतीय जनता पार्टी गरीब लोगों को पसंद नहीं करती है। मैं गरीब लोगों को नहीं, हम लोग गरीबी को पसंद नहीं करते भाइयों, हमको किसी को गरीबी पसंद नहीं है। और मैं समझती हूँ कि हम लोगों ने 5 साल के अंदर अपने क्षेत्र की गरीबी को हटाने का पूरा प्रयास किया है, पर इन्होंने अपने 65 साल के अंदर क्या किया? वर्ल्ड बैंक का कहना है भाइयों, हमारा नहीं, वर्ल्ड बैंक का कहना है कि इन 65 साल के अंदर हमारा भारत देश, उसमें 70% लोग अब बीपीएल के नीचे पहुंच गए हैं। कितनी शर्म की बात है, कितना कलंकित होंगे हम लोग सब कि आज हमारे देश के अंदर लोग हमको पहचानते हैं गरीब देश के नाम से। और राजस्थान की सरकार ने क्या कर लिया? 5 साल में 4.5 साल तो आराम से सोए कुंभकर्ण की नींद ली, और 4 महीने में इतनी दौड़ धूप हो गई है कि हमें समझ भी नहीं आ रहा है कि कहां जा रहे हैं। कहते हैं कि लुगड़ी चाहिए तो लुगड़ी ले लो, साइकिल चाहिए तो साइकिल ले लो, आपको क्या चाहिए वो ले लो, पेंशन की बात भी करते हैं, परंतु मैंने ये सुना है कि पेंशन की राशि वापस वसूली जा रही है, क्या ये सही है? कितनी शर्म की बात है, और जहाँ 1,000 रुपए दिए वहां 3,000 रुपए की वसूली हो रही है, ये है कांग्रेस की सरकार? अरे इससे तो बेहतर तो ये है कि हमको अपने हाल पे छोड़ दो, हमको इस तरीके से टुकड़े फेंकने की कोशिश करते हैं स्वाभिमानी लोग हैं, और या तो आप पूरे समय पे हमारे लगा दो। इसलिए मैंने ये कहा था कि हमारा जो भामाशाह योजना है, वो भामाशाह योजना अगर पहले साल से चल जाती तो व्यवस्थित ढंग से आप लोगों को घर में पैसा मिल जाता, जिनको पेंशन मिलना है वो पेंशन मिल जाता, अफरा तफरी में नहीं होती, और ना आप लोगों को पैसा वापस करने की जरूरत होती। ये तो ये सरकार है कि ये सोचती है कि हम किसी को भी खरीद ले सकते हैं, परंतु खरीद नहीं सकते हैं। और भाइयों, मैंने सबको ये कहा कि ये अपना क्षेत्र है, इस क्षेत्र ने मुझे यहाँ खड़ा किया है, इस क्षेत्र की वजह से मैं इस प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी हूँ। ये क्षेत्र के अंदर कितनी ताकत है वो आप समझ सकते हो, और इसके भाई बुजुर्ग माताएं बहनें सब लोग मिलके, सब मजहब के लोग, सब 36 के 36 कौमों ने मिलके मुझे बनाया है, मैं हमेशा उनकी आभारी रहूंगी। चले जाओ बीकानेर की तरफ और आपकी गंगा नाथ की तरफ, वहां एक और पार्टी खड़ी कर दी है, कांग्रेस थी, जो कांग्रेस वाले उसके उसके जो कैंडिडेट है उसके सामने अपने अच्छे कैंडिडेट नहीं खड़े किए हैं कि हम अपने वोट नहीं खराब करना चाहते, हम लोग मिलकर बीजेपी का वोट खराब करना चाहते हैं। फिर एक सवाईमाधोपुर के अंदर एक कांग्रेस थी जो इधर भी घूम रहे उधर भी घूम रहे, सब अपने अपने कैंडिडेट खड़ा कर रहे हैं, कहां से आ गए पैसे ये? हमारे बाहर खड़े उनको पैसा दे दे के खड़ा कर रहे, भैया खड़े हो जाओ, तुम बैठ जा मत,
अगर बैठ जाते हो तो भारतीय जनता पार्टी का निकल न जाए गलती से। फिर है कांग्रेस ई, जिन लोगों को मैंने हाथ मजबूत किए थे, जो लोगों ने मेरे समय के अंदर फायदा उठाया था, ऐसे बहुत सारे लोग घूम रहे हैं अपने क्षेत्र के अंदर जो एक दूसरे को बत्ती लगा लगा के खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। इन सबके सामने हम खड़े हैं, एक तरफ कांग्रेस ये खड़े हो जाए, ये है कौरवों की सेना। और मैं सबके सामने कहना चाहती हूँ कि कौरवों की सेना को परास्त करने का काम हम लोग मिलकर करेंगे, ईश्वर के आशीर्वाद के साथ और आप सबके प्यार के साथ। मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि सरकार अपनी बनेगी और हम अपना क्षेत्र के अंदर काम भी करेंगे, राजस्थान को एक नया राजस्थान बनाने का काम करके छोड़ेंगे। ये सबको मैं विश्वास दिलाना चाहती हूँ। एक चीज आपको ध्यान आना चाहिए, इस कांग्रेस के राज में क्या क्या समस्याएं आपके सामने आई हैं वो किसी को भूलना नहीं है। चिकित्सा विहीन चिकित्सालय है, आपके 11 पद चिकित्सकों के हैं, एक पद महिला का है, और है कितने डॉक्टर? बस इसको मैंने सुना था कि एक भी नहीं है, एक है बस, है बहुत है, अब इससे ज्यादा क्या चाहिए। शिक्षक के बिना विद्यालय, पिछले बार में डर जा रही थी तो जब मैं डर जा रही थी तो किसी ने कहा कि ये रास्ता ब्लॉक है। मैंने कैसे ब्लॉक है? उन्होंने कहा सब बच्चे बैठे हुए हैं। मैंने कहा बच्चे कहाँ पे बैठे हुए हैं? उन्होंने कहा बच्चे बैठे हुए क्योंकि उन्होंने अपने स्कूल में ताला लगा दिया है। मैं ताला क्यों लगाया? ताला इसलिए लगाया कि वो आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ कोई भी टीचर नहीं है। मैंने कहा मेरी सरकार होती तो टीचर तुरंत ही वहां पोस्ट कर देती, कोई चिंता की बात ही नहीं है। तो ये सरकार है उन लोगों की, जिन लोगों ने पूरे राजस्थान को शिक्षक विहीन, डॉक्टर विहीन, रोजगार विहीन, पानी विहीन, बिजली विहीन, रास्ते विहीन, ऐसा करके छोड़ दिया है कि आदत। अब मैं क्या कर सकती हूँ? वही सरकार आएगी तो इन सब चीजों को अपन ने बदलने का काम तब तो अपने हाथों में है और इसको बदल के हम छोड़ेंगे। तो ये स्थिति है उन लोगों की। अब ये मैं कहना चाहती हूँ, ग्रामीणों की पेंशन की मैं तो सुन के हैरान हूँ कि आप लोगों को पेंशन कोई दे और फिर उसको वापस भी ले ले, और जो वापस नहीं कर रहा है बेचारे जिसने खर्च कर दिया होगा उसके पूरे पीछे पुलिस लगवा दे। ये भी हो रहा है ना, ये भी हो रहा है। जंगलों के बीच में जाके पुलिस पर आप पेंशन वापस मांग रहे हैं। पहले ये तो पूछो कि किसने पेंशन बांटे है, उसको मार पड़नी चाहिए। जिसने पेंशन बांटे अगर उसने गलती करके पेंशन बांटे तो गलती उसकी है कि बेचारे गरीब थी। जिसने बांटे हैं उसको उसको पूरा भरपाई करनी चाहिए। तो क्यों सरकार किसी बेचारे गरीब के पीछे पड़े? या तो बांटना ही नहीं चाहिए। और फिर जो गार्डियन बांध के अभी प्रभावित किसान है उनको कांग्रेस शासन के अंदर तो मुआवजा नहीं मिला, मुआवजा नहीं मिला, मिलता ही नहीं है। मैं देख लिया अभी, मैंने पूरे राजस्थान का दौरा किया तो राजस्थान के अंदर जहां मुआवजा देने की जरूरत थी प्राकृतिक प्रकोप भी हो गया था तो अखबार में तो इतने बड़े बड़े अक्षर में कि हमने मुआवजा दे दिया। और किसान से पूछो तो किसान कहता मेरे को एक डमरी नहीं मिली है, एक पैसा नहीं मिला। और ये तो ऐसे ही अखबार में छपवाते हैं कि हमने इतना सारा काम किया। सीआरएफ के अंदर नहीं था हमारी सरकार के टाइम में, हमने मुआवजा जब दिया हमने ये सोच के दिया कि ये जनता का पैसा है तो सीआरएफ हो या पीआरएफ हो या जीआरएफ हो, अगर जनता दुखी है तो उस जनता के आंसू पोंछने का काम सरकार का काम होता है। इसे हम नहीं पूछेंगे कि ये सीआरएफ में है कि नहीं। नॉर्म्स बनते हैं जनता के लिए, नॉर्म सरकार के लिए नहीं बनते। और अगर सरकार अपने लिए बनाती है तो उस सरकार को उस कुर्सी पर बैठने का कोई हक नहीं है। ये चीज अपने को याद रखने की जरूरत है। और मैं सब लोगों को कह रही हूँ कि अब जनता हमारी जयपुर में नहीं बैठेगी, संभाग में आएगी, संभाग में आके डिस्ट्रिक्ट में पूछेगी, पता करेगी। अरे मेहनत करनी पड़ेगी भाइयों, ऐसे नहीं एयर कंडीशन में बैठे बैठे आराम करे। हमारी तो 20 साल से याद है, हम लोगों की याद है कि हम तो जनता के बीच में काम करते हैं, घूमते फिरते और उनकी बात को सुन के उसको क्रियान्वयन करके बात करते हैं। चमड़ी के अंदर भी जब हम लोगों ने किया सबके साथ बैठ के तय किया। ऐसे थोड़ी है कि वहाँ जयपुर के अंदर बैठ के तय कर लेंगे कि हमें क्या देना है। हमको क्या मालूम क्या देना है जब तक हम यहाँ आके नहीं देखेंगे। ये जरूरी है कि जो भी आता है उसको पहले ये देखना पड़ेगा और उसके बाद आगे की बात करनी पड़ेगी। इसी तरीके से आपके यहाँ हॉस्पिटल 50 बेड का करवाया था हमने अपने टाइम के अंदर, भवन का निर्माण भी करवाया था, ITI का भवन निर्माण करवाया था, पिड़ावा नगर के अंदर सड़कों का जाल बिछा के रख दिया था। आज मैं देख रही हूँ कि मध्य प्रदेश की सड़कों को तो देख के अच्छा लगता है परंतु हमारी सड़कों की क्या हालत होगी? ज्यादा बात पहुंच नहीं सकता, जिस हालत में निकल रहे हैं वो धो ही नहीं सकता। चमड़ी नदी पर पुलिया का निर्माण
हम लोगों ने करवाए थे और पशु चिकित्सालय यूनानी औषधालय इनके सबके निरावरण करवाए थे। मैं ये कहना चाहती हूँ कि सरकार का काम है ये, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है अगर कुछ किया। आज आप लोग सब लोगों को ये कह रहे हैं, मैं सबको आई चार घंटा बिजली मिलती, कल रात की 12 बजे मिलती होगी। हाँ वो भी है, बात सही कह रहे हो कि 8 घंटे बिजली वादा किया इस कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र के अंदर। आज 2 घंटे 3 घंटे बड़ी मुश्किल से बिजली मिलती है, क्या ये सही है? वो भी ट्रेन के साथ। अच्छा, हम लोगों ने चला के महिलाओं के लिए अलग से लाइन निकालने का काम किया था। मैंने कहा था कि अगर वो महिलाओं को घर बैठे बिजली मिल जाती है सिंगल फेज की लाइन, तो हमारे किसानों को राहत मिल जाएगी, हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए लट्टू मिल जाएगा। इसलिए पूरे राजस्थान के अंदर हम लोगों ने अलग से एक घरेलू लाइन देने का काम किया। जब मैं यहाँ से निकली तो करीबन 18 घंटे बिजली देने का काम हम लोगों ने किया था। 18 घंटे बिजली देने का काम हम लोगों ने कर दिया था। अब मैं ये कह रही हूँ कि आने वाले समय पानी आता है तो हम सबके लिए आता है। अरे कोई भी काम होता है वो हम सबके लिए होता है, इसलिए एक दूसरे से लड़ने से हमको फायदा क्या है? हम लोगों को मिल के बैठ के काम करना चाहिए। आज दिन तक कांग्रेस ने हम लोगों को एक दूसरे से लड़ा लड़ा के ही काम दिया है। इस बार हमने चुनाव में यह तय किया है कि हम एक दूसरे से नहीं लड़ेंगे, लड़ेंगे तो सब लोग मिलके एक आवाज में कांग्रेस से लड़ने का काम करेंगे। बोलो तैयार हो लड़ने के लिए?